अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं वो कल हमने जो वो 1962 के जो है वो पांच पॉइंट्स पढ़े थे। आज जो है वो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी और बहुत आसान चीज़ें जो है वो आपके सामने जो है वो रखने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, नंबर सिक्स पर हमारा पॉइंट था सिंगल सिटीज़नशिप। अब जैसे आपको मैंने पहले भी कल के लेक्चर में बताया था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हैं वो सेम हैं, तो इसके हिसाब से ही हमने जो है उसकी तैयारी करनी है। जो चीज़ें एक जैसी हैं बिल्कुल जो है वो उनके वो सब कुछ एक जैसा है, तो वो हम लोगों ने एज इट इज़ उसको लिख देना है। जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको थोड़े से डिफरेंस के साथ हमने जो है उसको जो है वो लिख देना है। सो ये चीज़ें ध्यान से जो है वो आप लोग तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को सामने रख के याद करोगे, 56 में क्या था, 62 में क्या था और 73 में क्या जो है वो डिफरेंस जो है वो फिर आया और कौन सी चीज़ें जो वो सिमिलैरिटी में हैं। तो यहाँ पे है जो सिंगल सिटीज़नशिप है, 1956 के आइन की तरह 1962 के आइन में भी वाहद शहरीत का असूल अपनाया गया। जैसे कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि 56 के आइन में जो है वो सिंगल शहरीत है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तान के शहरी होंगे तो वो हम लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है, ये सिंगल शहरीत है हमारी। लेकिन बहुत सारे ममालिक में जो है वो डबल शहरीत का असूल चलता है, जैसे कि अमेरिका, कल भी आपको ये बताया था कि उसकी 50 जो है वो रियासतें हैं, हर रियासत की शहरीत जो है वो सिटीजन्स के पास अलग है और ओवरऑल जो है वो अमेरिका स्टेट की जो है वो शहरीत है वो अलग है, तो उनकी डबल जो है वो शहरीत है या डबल सिटीज़नशिप जो है वो उनके पास होती है। लेकिन पाकिस्तान में दोनों आइनों में जो है वो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि वाहद शहरीत का असूल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो वहाँ पर भी थे 56 के आइन में भी थे, यहाँ पर भी जो है वो सेम है। बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़ किया जाएगा, आइन में पहली तरमीम के ज़रिए बुनियादी शहरी हकूक़ शामिल किए गए हैं और उनके तहफ़ की ज़मानत भी फ्राहम की गई है जो अदलिया की ज़िम्मे थी। इन हकूक़ के मुनाफी कोई कानून साजी मुमकिन नहीं थी, हुकूमत का कोई शोबा बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ इकदाम नहीं कर सकता था। अहम तरीन बुनियादी हकूक़ में तहरीर और तकरीर की आज़ादी यानी बोलने की और लिखने की आज़ादी, इज्तमा और अंजुमन साजी यानी जहाँ कहीं भी आप लोगों की गैदरिंग होती होगी तो आपको जो है वो किसी किस्म का इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन जो है हुकूमत की तरफ से नहीं होगा। और अगर कोई तंजीमें आप लोग बनाना चाहते हो, प्राइवेटली उनको रन करना चाहते हो या कोई ट्रस्ट बनाना चाहते हो, किसी भी किस्म की एसोसिएशन आप प्राइवेटली बनाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट की परमिशन से आप उसको बना सकते हो, इसके ऊपर भी किसी किस्म का जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं होगा और ये आपके राइट्स में आती हैं चीज़ें। इसके अलावा मज़हबी आज़ादी है, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारो, जैसे मर्जी गुजारो, ठीक है, और जानो माल का तहफ़ रियासत के अंदर रहते हुए पहली चीज़ आती ही आपका जानो माल है, जिसका दिफा करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो रोटी कपड़ा मकान और ये वो ये भी इंसान ये जो है वो इंसानी बुनियादी जो है इंसानी हकूक़ का हिस्सा है, लेकिन ये जान और माल का जो तहफ़ है वो आपका प्रियोरिटी पर होता है, स्पेशली उन स्टेट्स के लिए जो कि अभी जो है वो नौज़ायदा ममलिकत हो, नई नई जो है वो आज़ादियाँ हासिल की हों, नई ममलिकत का तसव्वुर जो है वो सामने आया हो, तो उनके लिए ये मसाइल जो है वो ज़्यादा जो है वो सामने आते हैं, ठीक है। ये सारे जो है वही बुनियादी इंसानी हकूक़ है जो 56 के आइन में भी प्रोवाइड किए गए थे। इसके अलावा इस्लामिक प्रोविजंस हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, 56 के आइन में भी ये भी तकरीबन सेम ही होंगी। ज़ाहरी सी बात है हमारी इस्लामी जो दफ़ात हैं, जो इस्लामी असूल हैं, वो नहीं बदल सकते, ठीक है, वो एज़ इट इज़ ही चलने हैं, वो एज़ इट इज़ ही रहने हैं। इस आइन में रादद मकासद को इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया गया, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि 1956 के आइन में इसको शामिल किया गया था, जिसमें यह वजाहत की गई थी कि पूरी कायनात की हाकमियत किसके पास है, बिला शिरकत गैर अल्लाह ताला के जो है वो अख्तियार में है। पाकिस्तान के अवाम कुरान सुन्नत की रोशनी में या उसकी हदूद में रहते हुए हाकमियत को एक मुकद्दस अमानत की हैसियत से इस्तेमाल करने के पाबंद हैं, ठीक है। जैसे कि कोई हाकिम हो और वो अपना जो है वो नायब जो है वो मुकरर कर दे, तो फिर नायब को अपने हाकिम के बताए हुए असूलों के मुताबिक उसके अहकाम के मुताबिक ही जो है वो उसको जो है वो आगे देखना पड़ता है और उसको जो है वो उसके ऊपर अमल करना पड़ता है। मुल्क का जो नाम है, पहले जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, लेकिन अवाम के इसरार पर आइन में तरमीम के ज़रिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, ठीक है। यानी पहले जो है वो सिर्फ 56 के आइन में जो है वो जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से मुल्क का नाम था और फिर बाद में जो है वो तरमीम की गई थी आइन के अंदर, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम रखा गया। इसके अलावा सदर ममले का तो वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम को अपनी इंफरादी इज्तमाही ज़िंदगियाँ इस्लामी असूलों के मुताबिक बसर करने के काबिल बनाया जाएगा और इस्लामी तालीमात से मुतसादम जो है वो कोई भी कानून साजी नहीं की जाएगी, ठीक है। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामी मुशावरती काउंसिल।
सदर पाकिस्तान गवर्नरों, मरकजी और सूबाई असम्बलियों को कानूनी मामलों में मशवरे देने के लिए एक इस्लामी मशावरती काउंसिल तश्कील दी जाएगी ताकि कानून साजी इस्लाम के मुताबिक मुमकिन हो सके। यानी जो भी असूल ज़वाबत आपके मुल्क के अंदर बन रहे हैं, किसी भी किस्म का काम हो रहा है या कुछ भी है, तो वो सारे के सारा आपकी जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके मज़हब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसको जो है अगर कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इस्लाम के मुनाफी हो तो उनको तब्दील करके इस्लाम के मुताबिक जो है वो ढाला जा सके। इस्लामी मशावरती कौंसिल अमलन एक बेख्तियार जो है वो अदारा थी, इसकी राय की हैसियत सिर्फ मशावरती थी, हुकूमत इसको कबूल करने की पाबंद भी नहीं थी। यानी ये एक एक्स्ट्रा एक किस्म का अदारा था जो आपको आपकी सपोर्ट के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है, जहाँ कहीं हुकूमत के अहलकारों को, हुकूमत के जो है वो रहनुमाओं को, जो हमारे रहनुमा थे, लीडर थे, उनको अगर कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस्लामी मशावरती कौंसिल के अरकान के साथ जो मशवरा कर सकते हैं कि ताकि वो इस्लाम की रूह से, अपने मज़हब की रूह से उन तमाम मुभिम चीज़ों को जो है वो वाज़ कर सके जो कि कानून बनाने में या मुल्क को चलाने में उस वक्त हुक्मरानों के लिए जो है वो रुकावट का बाइस बनती हैं। तो जब मशवरा दे दिया जाएगा तो चाहे हुक्मरान उनको एक्सेप्ट कर लें, चाहे उसको रिजेक्ट कर लें, कि उनके अपने ऊपर होगा। और इस्लामी मशावरती कौंसिल के जितने भी अरकान थे, या ये वो अदारा था जिसके पास कोई यूँ कह लें कि बड़ी डिसिसिव जो है वो पावर्स नहीं होंगी, वो चाहें तो जो है वो सतारे के साथ मुंसलिक रहें, चाहे तो वो निकल सकते थे और नए जो है वो अरकान उसमें आ सकते थे। सो ये जो है वो हर किस्म का जो है वो किस्म का जो है वो रज़ाकराना तौर पर सतारे का जो है वो काम था। इसके अलावा नंबर 10 पे आ जाता है कौमी ज़ुबानें, हमारी नेशनल लैंग्वेजेस क्या क्या होंगी। उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़ुबानों की हैसियत दी गई, लेकिन अंग्रेज़ी को उस वक्त तक सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल रहेगी जब तक कौमी ज़ुबानें दफ्तरी हैसियत अख्तियार नहीं कर लेती। अब जैसे कि हम लोगों को पता है, कुछ हिस्ट्री ने हमें बता दिया, कुछ जो है वो हम लोग अपने अबाजदाद से भी सुनते आ रहे हैं, किस तरह से जो है वो अंग्रेज़ जो है वो बरसगीर के ऊपर काबज़ रहे, कितना अरसा रहे, पूरी सदी जो है उन्होंने हमारे ऊपर जो है वो अपनी छाप लगाए रखी, और उसके जो असरात थे, जो वो तहजीब हमें दे के चले गए, जो असूल ज़वाबत हमारे ऊपर लागू कर गए, उनके जो असरात थे वो बड़े देर पा थे। ठीक है, वो हिंदुओं के ऊपर भी जो है वो काफ़ी अरसे तक रहे, और वो मुसलमानों के ऊपर भी काफ़ी अरसे तक उन असरात का जो है वो एक छाप लगी रही। अब उसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात, एक लंबा अरसा उन्होंने यहाँ पर राज किया बरसगीर के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें जो बरतानवी निज़ाम का हिस्सा थी, उन्होंने बरसगीर के निज़ाम पर लागू करने की कोशिश की, जिसमें जो है वो मेन जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान थी, क्योंकि यहाँ पे या तो हिंदी ज़ुबान समझी जाती जो कि जो है वो हिंदू लोग समझते थे, और या फिर उर्दू ज़ुबान जो है वो आम फहम ज़ुबान थी जो कि तकरीबन सभी जो है वो उसको समझते थे। अब चूँकि उस वक्त जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो हर किसी की ज़ुबान पे थी, और फिर हिंदू और मुसलमानों ने भी कोशिश की कि इनको जो है वो इनके साथ निगोशिएशंस करने के लिए, बरतानवी हुकूमत के साथ या अंग्रेज़ों के साथ जो है वो निपटने के लिए, उनके मामलात को समझने के लिए, अपनी बात उन तक कन्वे करने के लिए हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। तो इनका जो झुकाव था मुसलमानों का और हिंदुओं का, वो काफ़ी हद तक जो है वो अंग्रेज़ी की तरफ रहा, और उसको सीखने की भी कोशिश की जाती रही। अब जब जैसे ही दोनों जो है वो रियासतें आज़ाद हुई हैं, दोनों ममालिक आज़ाद हुए हैं, तो फौरी तौर पे ज़ाहिर सी बात है जैसे वो सिस्टम एज इट इज़ चलाए जाने की कोशिश की, क्योंकि फौरी तौर पे जो है वो कोई भी ऐसा आइन जो है वो सामने नहीं आया था, ना ही ऐसी कोई चीज़, कोई पैटर्न, कोई लाया अमल उनके पास था जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी रियासत का निज़ाम चला सकते। ठीक है, तो उसी जो है वो सिस्टम के तहत उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान को एज इट इज़ ही रखा। इस ज़ुमरे में भी जो है वो, इस पोर्शन में भी अंग्रेज़ी ज़ुबान ही जो है वो सरकारी ज़ुबान के तौर पे रही, लेकिन कौमी ज़ुबानें आपकी उर्दू और बंगाली बन गई पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है वो आधा हिस्सा जो है वो बंगाल की आबादी पे जो है वो डिवाइडेड था, उसके ऊपर जो है वो मुनसिब था। तो जैसे जैसे जो चीज़ें भी इस आइन का हिस्सा या 56 का आइन में बनाई गई थी, वो 50-50% जो है वो पार्टनरशिप पे थी, जो 50% जो है वो मुसलमानों की जो है वो मगरबी बंगाल में से जो है वो नुमाइंदगी थी, और 50% जो है वो मगरबी मशरकी हिस्से में से भी जो है वो नुमाइंदगी थी। सो वहाँ की ज़ुबान बंगाली थी, यहाँ मगरबी पाकिस्तान में जब वो उर्दू बोली जाती थी, तो दोनों को उन्होंने कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया, और साथ साथ अंग्रेज़ी को उस वक्त तक सरकारी ज़ुबान रहने का या रखने का फ़ैसला किया गया जब तक कि कौमी ज़ुबानें हमारी यानी उर्दू और बंगाली जो है वो दफ्तरी हैसियत इख्तियार नहीं कर जाती। और हमारा अलमिया सबसे बड़ा ये है कि अभी तक जो है वो हमारे दफ्तर में अंग्रेज़ी ज़ुबान ही जो है वो राइज है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी सारी ख़तों किताबत और हमारी तमाम जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो होती है।
नहीं तो उस वक्त तो ये सोचा जाता था कि शायद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम इन हालात से निकल आएंगे, ये जो है वो मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, तो हम लोग जो है वो दोबारा अपनी जो है वो असलियत पे जो है वो वापस चले जाएंगे और उर्दू के साथ जो है वो हमारा गठजोड़ ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका, जो अभी तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है वो अंग्रेज़ी के ग़ुलाम बन के बैठे हुए हैं और इसके बगैर जो वो हमारा किसी भी किस्म का जो है वो गुजारा जो है वो जो हमारी ऑफिशियल जो हमारे वर्क है उसके बगैर नहीं हो सकता। सो ये अभी तक स्टिल अभी तक जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू ही है, लेकिन सरकारी ज़ुबान आपकी अभी तक अंग्रेज़ी ही चल रही है। इसके अलावा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बराह रास्त इंतखाब का तरीका ख़त्म करके बिलवास्ता जमहूरियत का निज़ाम राइज किया गया। इस निज़ाम को बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम का नाम दिया गया। ठीक है, यानी बराह रास्त का इंतखाब को ख़त्म करके बिलवास्ता तरीके को जो है वो अपनाया गया। सदर, कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाब के लिए एक इंतखाबी अदारा कायम किया गया जिसके अरकान की तादाद 80,000 थी जो बाद में 1,20,000 कर दी गई। इनको अवाम मुंतखब करते थे, ये अरकान दोनों सूबों से यकसा तादाद में लिए जाते थे। ये थी आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम ख़त्म करके जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो सारे इलेक्शंस कराए जाएंगे और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन दोनों सूबों में यानी मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल में बराबरी की जो है वो असूल पे या यकसा मसावी जो है वो असूलों पे इसकी जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई और इसके जो है वो तरीके को राइज किया गया। सो ये हमारा जो है वो 1962 का आज कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरा हो गया और इंशाल्लाह बशर्त ज़िंदगी कल जो है वो 1971 में हम लोगों की जो है वो मशरकी पाकिस्तान की जो अलहदगी के असबाब थे हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो है वो सेकंड चैप्टर का जो है वो अब तक जितना यानी 62 के आने तक जितनी हम लोगों ने डिस्कशंस कर ली हैं इसके ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। ठीक है, और बाकी मज़ीद जो है वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।